ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस सुंदर कांड पंचम सोपान दोहा नंबर 51 से लेकर 52 तक हिंदी अर्थ। जय श्री सीताराम की जय। तो सकल चरित तिन्ह देखे रामा, धरे कपट कपि देह सिया रामा। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी, तो प्रभु गुण हृदय सराहि रामा, और शरणागत पर ने सिया रामा। इस प्रकार से वह अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और जो है शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे, अर्थात प्रशंसा करने लगे। तो प्रगट बखान ही राम सुभाउ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। फिर वह प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। अति स प्रेम गावि सिर दुराउ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रिपु के दूत कपिन तब जाने, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं, और वह उन सबको बात करके वहाँ ले आए जहाँ प्रभु थे। तो सकल बाधि कपि सिपहियाने, सिया राम जय राम जय जय राम। वह सभी शत्रुता कपट को भूल करके जो है उस स्थान पर लाए जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, और सुग्रीव के पास जो है ला करके खड़ा कर दिए। तो कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव ने कहा सब बानरो सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेंटो। तो अंग भंग करी पठ यहु निश्चर, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राक्षसों को अंग भंग करके भेंटो, और सुग्रीव के वचन सुन करके बानर दौड़े जय श्री राम। तो सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बाधि कटक चहु पास फिराए, सीता राम जय सीता राम। दूतों को बात करके उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया जय श्री राम। बहु प्रकार मारन कपि लागे, सिया राम जय राम जय जय राम। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे, वह दीन होकर पुकारते थे कि दीन पुकारति तदपि न त्यागे, जय श्री राम जय जय श्री राम। जो हमार हर नासा काना, राम सिया राम सिया राम जय राम। जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कोषाधीश राम प्रभु जी की सौगंध है। वह निशाचर इस तरह से बेबस हो गए कि भगवान श्री राम जी की कसम दिला दिए किते ही कोसलाधीश की आना, उन्हें जो है कोषाधीश प्रभु श्री राम जी की सौगंध है। तो सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, सिया राम जय राम जय जय राम। यह सुन करके लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, और दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए, सीता राम जय सीता राम। उन्हें बड़ी दया लगी, इससे जो है हंस करके उन्होंने राक्षसों को तुरंत छुड़ा दिया। कि रावण कर दी जो यह पाती, सिया राम जय राम जय जय राम। और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना, और कहना कि लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो, जय श्री राम। कहो मुखा घर मूढ़ सन रामा, नहीं मम संदेश उदार सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो कहो मुखा घर मूढ़ सम और मम संदेश उदार। फिर जो है उस मूर्ख से जवानी वह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता देई मिलहुनत रामाया, वा काल तुम्हार सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता जी को देख करके उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो, ऐसा कहा करे। लक्ष्मण ने उन राक्षसों को छोड़ दिया और भेजा कि तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, जय श्री राम जय श्री राम। कितना रोचक प्रसंग है भगवान का नाम। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवा करके श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। तो चले दूत वर्णत गुण गाथा, जय सिया राम जय सिया राम। कहत राम जस लंका आए, राम जय राम जय राम।
रावण चरण शीश तिन्ह नाए सीता राम जय सीता राम। श्री राम जी का यश गाते हुए प्रशंसा करते हुए वह दैत्य जो गुप्तचर थे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर रख करके नवाए और सारी बात बताई। तो भी हंसी दशानन पूछी बाता जय श्री राम जय जय श्री राम। दस मुख दस कंधर रावण दस वीर ने हंस कर बात पूछी कि कहा सी ने ससुख आपन कुशलाता सीता राम जय सीता राम। अर्थात वह कहा कि कहा सी ने सुख आपनी कुशलाता, अरे शुक्र जो सुख उसका जो है गुप्तचर पक्षी था अपनी कुशल क्यों नहीं कहता है। फिर जो है उस विभीषण का समाचार सुना है तो पुनी कहा खबर विभीषण केरी। बाद में विभीषण की बात बता खबर सुना तो जाहि मृत्यु आई अति नेरी जय श्री राम जय जय श्री राम। मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है उसकी बात बता तो करत राज लंका सठ त्यागी सीता राम जय सीता राम। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। हो ही जब कर कीट अभागी सीता राम जय सीता राम। अभागा अब जो है अभागा अब जो जौक जौक माने कीड़ा कीड़ा धुन बनेगा जौ के साथ जैसे घुन भी पीसा जाता है वैसे ही वह नर बांधों के साथ भी वह भी मारा जाएगा। तो पुनि कहूँ भाल किस कटकाई राम सिया राम जय राम। कठिन काल प्रेरित चली आई सीता राम जय सीता राम। परंतु फिर भी भालू और बांधों की सेना का हाल कह जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है जय श्री राम। तो जिनके जीवन कर रखवारा सीता राम जय सीता राम। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यह समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस ने मारकर खा गए होते। तो भयो मृदुलचित सिंधु विचारा जय सिया राम जय जय सिया राम। कहो तपसिन्ह के बात बहोरी सीता राम जय सीता राम। जिनके हृदय त्रास यति भोरी जय सिया राम जय जय सिया राम। जिनके हृदय में त्रास बहुत ही अधिक है अर्थात जिनके हृदय त्रास अति मोरी जय सिया राम जय जय सिया राम। अब तक उन राक्षसों को उन्होंने मार करके खा लिया होता फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है जय श्री राम जय प्रभु हनुमान जी की।